हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, पाइथन सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो पाइथन प्रोग्रामिंग की है। फॉर्मेट फंक्शन का एक कोड छोटा सा मैंने लिख रखा है, आइए दिखाता हूं क्या है वो कोड और उसको देखेंगे कि आउटपुट क्या आएगा उसका, ठीक है ना। तो चलिए आइए देखते हैं। तो यहां पर देख सकते हैं माई नेम लिखा हुआ है और एज लिखा हुआ है 30, ठीक है। और यहां देखिए सेंटेंस नाम से एक बनाया है और सेंटेंस के अंदर एक स्ट्रिंग स्टोर कराई है जो है माय नेम इज, और उसके बाद कर्ली ब्रेसेस यूज किया है। तो माय नेम इज के बाद जो मेरा नाम है वो आएगा, जैसे माय नेम आ जाएगा, यानी कि मेरा जो भी नाम हो, जैसे इसके जगह हम अपना नाम भी लिख सकते हैं, ये माय नेम लिखा हुआ है ना, तो जैसे मैं अपना नाम लिख लेता हूं यहां पे, तो यहां मेरा नेम आएगा और यहां मेरी एज आएगी। तो इसीलिए ये कर्ली ब्रेसेस बनाया गया और यहां डॉट फॉर्मेट नेम कॉमा एज यूज किया गया है और फिर सेंटेंस को प्रिंट कराया गया। तो चलिए एक बार इसको कंपाइल करवाते हैं, देखते हैं क्या होता है। कंपाइल एंड रन करवाएंगे तो सबसे पहले यहाँ पर इसको किसी भी नाम से सेव करेंगे, डॉट पी वाई लगा करके एंटर करेंगे। तो देखिए यहाँ पर चलाने पर देखिए एज भी प्रिंट हो रहा है और नेम भी आ रहा है, नेम की जगह नेम और एज की जगह एज प्रिंट हो रहा है। देखिए ये कर्ली ब्रेसेस का मतलब यही है, ठीक है। तो इस तरीके से आप फॉर्मेट का यूज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि बात समझ में आई होगी कि फॉर्मेट का यूज कैसे करना है, ठीक है ना। ओके,